हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरा फर्स्ट डे है जिम का और आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, यानी 1 दिसंबर। आज से मैंने जिम ज्वाइन किया है क्योंकि मैं अपनी बॉडी को फिट करना चाहती हूँ। काफ़ी वेट गेन कर लिया अपने आफ्टर डिलीवरी। वैसे मैं जिम करती थी पहले भी, लेकिन वेट गेन हो गया क्योंकि डिलीवरी के बाद तो वैसे भी नॉर्मली लेडीज़ का वेट गेन हो जाता है। तो अब फिर से मैं अपने दोबारा से मैं अपने आप को अच्छे पोजीशन में लाने की कोशिश करूँगी और आप लोग देखेंगे 3 महीने में मेरा मेकओवर। फिर आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी और आप भी ज़रूर ये सब करेंगे। अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको जिम का अपना थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ। ये आयुष है, मेरा जिम ट्रेनर। ये यूट्यूब पे जाता है। अच्छा 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 यूट्यूब पे जा रहा हूँ। तो अभी आज से ज्वाइन किया है मैंने। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक्सरसाइज के बाद। तब तक के लिए बाय। आप जिम देख सकते हो मेरा। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरी एनिवर्सरी है और मेरे भाई बहन मेरे लिए केक लेके आए हैं। लंगे को मत दिखाना इसको। देखिए कि पास से देख लीजिए। मां झूला है तेरे कैमरे के आगे, फ्रंट कैमरा साफ। विक्रम बैठो बैठो, हाथ कैमरे से कर लेते इसको। थोड़ा रस्सी बांधो फिर इसको लगा के इसको उड़ाना है। ठीक है, अरे हो जाए। मम्मी मम्मा केक काट लो। इसमें विक्रम सिंह। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या विक्रम सिंह मनु, ये लो बनाओ। भी ऐसे आइए मम्मी। आइए अंकल आंटी। टोपी खोल के इसलिए नहीं पहना रही। वो वाला गिफ्ट दे दो मनु जी, झोले में रखे। किधर है? उधर मुंह कर लो। उस तरफ मुंह करके काटना है बाबा। इधर है ना, नहीं बेटा अभी रुको, भगवान कोई जरूरत नहीं, खुद हाथ पकड़ के अभी जाना है ना। तुम कहाँ? तुम्हारा कहाँ नंबर है? मनु वाला दे दो जो रखा है, उसके खिलावे अंदर जो रखा है। बाबू तुमसे ले आ थोड़ा। बात फोटो, बात फोटो, बात फोटो। 6 साल में दो बच्चे, 6 साल में दो बच्चे। एक और खाऊंगा मैं। एक 5 साल का, एक कितना है? 1.5 के। कितने का? 1.5 साल का हो गया। 1.5 साल का। अरे एक झोला है, बैग होगा कागज का। एक 18 महीने का हो गया। फोड़ देता है, फोड़ देता है, डरता भी नहीं है वो। जानबूझ के वो डरता है। हाँ ये बहुत डरता है, तो अभी भी डरता है। फोड़ गया ना? हाँ तो जान नहीं खे, फट जा रहा है। इसको वो चुटकी बना के दे दीजिए, वो उसी से मजा करता है वो चुटकी।
ये मुझे मत लगाना, मुझे मत लगाओ भैया ठंडी है। कब शादी करने का? खाओ चम्मच ले आए। हाँ चम्मच ले आए, ज्यादा हैवी नहीं है इसका पेट, इज अच्छा है। पूरा आप ही खा गए। अरे यार तू खाने ना, तू करने से पहले टोक दिया। इधर आप ऐसे, जैसे विदेशों में नहीं मिलता है इतना चौड़ा और इतना लंबा होता था, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। पता है अंकल लाते थे इंटरवल में पूरा खत्म हो जाता था। हम लोग खुद 20-25 खरीदे। बहुत अच्छा पेटीज रहता था उनका पूरी लाइफ में। ये बाबू के फ्रेंड के दुकान का पेटीज है। ऐसा नहीं था, वैसा था, जेजे बेकर थे तो फ्रेंड्स आज मेरी एनिवर्सरी के दिन हम लोग बाहर शादी में भी जा रहे हैं। यहाँ पे सबका सब रेडी हो चुके हैं। आ जाओ हो। तो आज अपनी एनिवर्सरी के दिन मैं एक शादी में हूँ, मुझे अपनी शादी का दिन याद आ गया। तो फ्रेंड्स आप लोग भी मेरे साथ यहाँ के थोड़े बहुत नज़ारे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी आई हूँ शादी में, अपने दिन को याद करी जब मेरी भी एनिवर्सरी थी आज की दिन। बहुत मतलब मिसिंग मोमेंट रहता है, सब कुछ वैसे ही लगता है जैसे मुझे पता है सभी जितनी भी लेडीज़ हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है वो हमेशा अपने शादी वाले दिन उस मोमेंट को याद करती होंगी। कोई भी मोमेंट हो, छोटा सा भी मोमेंट हो, उसे ज़रूर याद आता होगा। और मुझे वो मोमेंट स्पेशली याद आता है क्योंकि हमारी शादी करीब 5 बजे तक हो गई थी सुबह के, और सारे जितने भी पल थे वो सब मेरी आंखों के सामने आ गए। जैसा कि आपको पता है आज मेरी भी एनिवर्सरी है और मैं यहाँ पर आई हूँ शादी में, तो मेरी तो पार्टी होगी। वैसे भी जिसकी शादी हो रही है उसको भी मैंने आपको वीडियो दिखा दी, काफ़ी प्यारी लग रही है वो अपने मेकअप में। ब्राइडल गेटअप में हर एक दुल्हन खूबसूरत लगती है, मैं तो बस यही जानती हूँ। और खाना वगैरह हो चुका है तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा होने से मैं भी बहुत थक गई हूँ। मैं सीधे घर जाऊंगी और सोऊंगी। आज का दिन बहुत मेरा थकान भरा था और आज के दिन मैं गोविंद को बहुत मैं गोविंद को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि वो शिप पर है और मैं यहाँ पर हूँ, पर यही लाइफ है, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये सबको पता है। काफ़ी कोहरा पड़ रहा है अभी, बहुत ठंड है, पर शादी में जाना होता है तो ठंड नहीं लगती है लेडीज़ को स्पेशली। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं नीचे चलती हूँ। और तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घर पहुँच गए और रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, 11 बज रहे हैं। तो अब बेबी मेरे थक गए बहुत ज़्यादा, क्या हो गई भूपी हो गए। तो अब मैं अपने बेबी को लेके सोने जा रही हूँ और
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और मेरा इंस्टाग्राम, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर करें अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो। साथ ही फेसबुक पर भी मैं हूँ, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाय दोस्तों, बाय कर दो बेबी, लव यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।